हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लुबना तबीर और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे विधि शास्त्र का, ज्यूरिसप्रूडेंस का, जेरेमी बेंथम। बेंथम की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में ये भी बताने वाली हूँ उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी थी, तो वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑस्टिन को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम जेरेमी बेंथम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम के बारे में पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि जेरेमी बेंथम जो थे उनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है हमारे विधि शास्त्र में। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन्हें एनालिटिकल स्कूल जो है हमारा, विश्लेषणात्मक स्कूल, उसका स्थापक भी माना जाता है, फाउंडर भी माना जाता है। तो ऑस्टिन से पहले ये ऑस्टिन के टीचर भी रह चुके हैं, जेरेमी बेंथम। ठीक है, तो इनका बहुत सारा योगदान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेरेमी बेंथम के बारे में। जेरेमी बेंथम जो है वो एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने ज्यूरिसप्रूडेंस को दो तरह के काइंड्स में डिवाइड किया। ज्यूरिसप्रूडेंस को उन्होंने बोला कि ज्यूरिसप्रूडेंस दो तरह का होता है, एक एक्सपोजिटोरियल और एक सेंसोरियल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में व्याख्यात्मक और सेंसोरियल को आलोचनात्मक भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दो तरह के, एक्सपोजिटोरियल को मतलब क्या है, व्हाट द लॉ इज, लॉ क्या है, कानून क्या है। ठीक है, सेंसोरियल आलोचनात्मक, व्हाट लॉ ऑट टू बी, लॉ क्या हो सकता है। ठीक है, व्हाट लॉ ऑट टू बी, तो उन्होंने दो तरह के ज्यूरिसप्रूडेंस में ज्यूरिसप्रूडेंस को डिफाइन किया है, एक है एक्सपोजिटोरियल और दूसरा सेंसोरियल, जिसको हम व्याख्यात्मक विधि शास्त्र और आलोचनात्मक विधि शास्त्र हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बेंथम की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है पेन एंड प्लेजर की थ्योरी। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रकृति के द्वारा हमें दो स्वामी मिले हैं, एक है सुख और दूसरा दुख, जिसको कि उन्होंने पूर्ण स्वामी कहा है। और कहा है कि सुख और दुख से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ही डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब कि जो जिस कार्य को करके सुख में वृद्धि होती है, ठीक है, वो कार्य तो उचित है, उपयोगी है, और जिस कार्य को करके दुख में वृद्धि हो गई तो वो कार्य जो है वो अनुचित होगा और अनुपयोगी होगा। बेंथम के हिसाब से पेन एंड प्लेजर जो है वो ही डिसाइड करता है सारी चीजों को मनुष्य के जीवन में। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसी थ्योरी को, इसी पेन एंड प्लेजर की थ्योरी को उन्होंने थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का नाम दिया, जिसको कि हम हिंदी में उपयोगितावाद सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बेंथम के द्वारा ये दिया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको कि हम उपयोगितावाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब किसी भी लॉ का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये इनके उपयोगितावादी सिद्धांत का की थ्योरी है। ठीक है, उसको इन्होंने हेडोनिक कैलकुलस भी कहा है, सुखवादी व्याख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, हेडोनिक कैलकुलस, फिलोसॉफिक कैलकुलस, बहुत सारे नाम दिए गए हैं अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। ठीक है, बट बेसिक जो उसका आइडिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि सुख और दुख ही एक मतलब ऐसा मापदंड है, एकमात्र मापदंड है जिससे कि हर लॉ को हम लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, हर लॉ का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए सुख में वृद्धि करना और दुख में कमी करना। ठीक है, तभी वो एक आइडियल सोसाइटी होगी बेंथम के हिसाब से। अब ये तो हो गया हमारा पेन एंड प्लेजर की थ्योरी। ठीक है, जिसको हम थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो बेंथम की है वो यही है, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावादी सिद्धांत, हेडोनिक कैलकुलस। ठीक है, इसे फिलोसॉफिक कैलकुलस भी कहते हैं, मैं यहां पे लिख देती हूँ। ठीक है, फिलोसॉफिक कैलकुलस भी कहते हैं। ठीक है, जिसे कि हम हिंदी में आनंद मापक कहते हैं। ठीक है, हेडोनिक कैलकुलस, फिलोसॉफिक कैलकुलस, मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब इन्होंने एक बात और कही इसी थ्योरी में आगे कि लॉ का उद्देश्य क्या है। लॉ का उद्देश्य, लक्ष्य ये है, चार चीजें प्रोवाइड कराना। ठीक है, पहला क्या है, सबसिस्टेंस, अबैंडेंस, इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी। मतलब कि सबसिस्टेंस मतलब लॉ का क्या उद्देश्य है, कानून का लक्ष्य क्या होना चाहिए, निर्वाह प्रदान करना, उत्पादन करना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना। तीसरा, समानता का समर्थन करना, मतलब कि इक्वालिटी, और
सुरक्षा प्रदान करना, मतलब कि सिक्योरिटी, ये चारों चीजें जो है वो लॉ का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। टू प्रोवाइड सबसिस्टेंस, टू प्रोड्यूस अबैंडनली एंड टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी, निर्वाह प्रदान करना, उत्पादन करना और उत्पादन ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना और समानता का समर्थन करना प्लस सुरक्षा देना, ये चारों चीजें जो है वो लॉ का उद्देश्य या लॉ का लक्ष्य होना चाहिए किसी भी लॉ का, ठीक है। कि ये चारों चीजें अगर हो रही है तो वो एक आइडियल स्टेट है अकॉर्डिंग टू बेंथम, ठीक है। तो ये जो थी ये पूरी थ्योरी थी जेरेमी बेंथम की, ठीक है। दो तरह से उन्होंने डिवाइड किया जुरिसप्रूडेंस को, एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल, ठीक है, व्याख्यात्मक एंड आलोचनात्मक विधि शास्त्र। एक्सपोजिटोरियल का मतलब क्या है, व्हाट द लॉ इज, एंड सेंसोरियल का मतलब व्हाट लॉ ऑट टू बी, ठीक है। दो चीजों को उन्होंने बताया कि मापदंड है जिससे हम लॉ को जज कर सकते हैं, विच इज पेन एंड प्लेजर, इसको टू सॉवरेन मास्टर्स कहा है उन्होंने, ठीक है। कहा है सुख और दुख का ही जो वो है खेल है, वही जीवन की सच्चाई है, वही मनुष्य को हर चीज वही करनी होती, वही कार्य करना होता है जिससे सुख उसे मिले और दुख में जैसे उसकी कमी हो, वही लॉ का उद्देश्य भी होना चाहिए, ठीक है, सुख में वृद्धि हो और दुख में कमी हो। उसी थ्योरी को उन्होंने थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा, उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा है, ठीक है। उपयोगितावादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, मतलब अधिकतम सुख अधिकतम लोगों के लिए, ठीक है। उसको हेडोनिक कैलकुलस और फिलोसोफिक कैलकुलस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि बेंथम जो थे वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉस की बात करते थे, मतलब कानून का संहिताकरण करने के फेवर में थे, वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉस की बात करते थे। जज मेड लॉस जो होते थे, न्यायाधीश द्वारा बनाए हुए जो कानून होते थे, उसको बेंथम नहीं मानते हैं, वो उसको कुछ भी नहीं मानते, वो कहते हैं क्योंकि लॉ को कोडिफाई होना चाहिए, ठीक है, कानून का संहिताकरण होना चाहिए, इसीलिए वो लेजिस्लेशन की बात करते हैं। जो बेंथम है, बेंथम लेजिस्लेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं लिखना यहाँ पे भूल गई थी, मैं भी लिख दे रही हूँ, ठीक है। बेंथम जो है वो लेजिस्लेशन पे फोकस करते हैं बहुत ज्यादा और जज मेड लॉज पे को नहीं मानते, तो इसलिए वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज की बात करते हैं। अब अगर बुक्स देख लें हम, तो बेंथम की तीन बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली बुक है लिमिट ऑफ जुरिसप्रूडेंस डिफाइंड, जो कि जेरेमी बेंथम द्वारा दी गई है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, और तीसरी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। वैसे तो उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकालकर यहाँ पे लिखा है कि पहली लिमिट ऑफ जुरिसप्रूडेंस डिफाइंड, दूसरी थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, तीसरी द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। तो ये तीनों बुक्स जो है वो बेंथम की है, और बाकी ये थ्योरी है जो कि मैंने अभी आपको समझाई, ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बुक्स है, ठीक है। और अगर बेंथम की बात करें तो मुझे एक बात और याद आती है जो कि अभी मैं यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहली बार जो इंटरनेशनल लॉ वर्ड है वो किसने कॉइन किया था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि जो वर्ड है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, उसको कॉइन किसने किया था, वो वर्ड किसने दिया था, वो जेरेमी बेंथम ने ही दिया था। ये अक्सर पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि हु हैज कॉइन्ड द वर्ड इंटरनेशनल लॉ, तो उसका आंसर भी जेरेमी बेंथम ही होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आज मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था बेंथम के बारे में, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।